अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं दड़ी बख्श और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में जैसे हम आते हैं यहाँ पे, हमें हमारे पास पहला जो ग्रुप आता है वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारा होता है टेबल, जो भी हमारा बुक होता है उसमें कोई ना कोई इंडेक्सेस होता है कि हमारा जो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, हमारे इस पेज नंबर पे है। तो सेम आज हम वो टेबल ऑफ कंटेंट खुद बनाना जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ तो ये हमारे कितने पेजेस हो गए, अभी 17 पेजेस हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके करता हूँ, फर्स्ट पे MPT छोड़ता हूँ और यहाँ पे आता है लिखता हूँ कंप्यूटर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिवाइसेस और ये हमारे चलें। ऐसे ऐसे क्या करेंगे आप, अपने डॉक जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो आप नेम्स लिखते जाएंगे। अभी मैंने रैंडम लिए हैं, क्या करूँगा मैं यहाँ पे इसके ऊपर आके मैं यहाँ पे जस्ट हेडिंग को अप्लाई करूँगा। हेडिंग 1, हेडिंग 1 मतलब जो जो भी आपका टॉपिक होगा उसके ऊपर आपको ये अप्लाई करनी है। ये आप अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट करके हेडिंग, जस्ट सिलेक्ट हेडिंग, सिलेक्ट हेडिंग। तो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स पे क्या किया, मैंने हाईलाइट हेडिंग अप्लाई कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पेज पे आकर मैं करता हूँ, यहाँ पे आके मैं करता हूँ इंसर्ट, रेफरेंस पे आके इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये कुछ डिज़ाइन के टाइप्स हैं जो आप अप्लाई करना चाहें, जस्ट आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे जो भी आपको चाहिए। तो ये देखिए अभी आपको बता रहा है कि ये कंप्यूटर जो है कौन से पेज नंबर पे, 2 पे। अगर आप इस पर जंप करना चाहते हैं तो आप क्लिक कंट्रोल पे क्लिक करके यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आप उस पैराग्राफ पे जंप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पास यहाँ आता है ऐड टेक्स्ट अपडेट टेबल, ऐड टेक्स्ट अपडेट टेबल। अभी इसका काम सेम ही है, हम यहाँ पे भी करते हैं अपडेट टेबल पे काम। तो आप क्या करेंगे, हमें और भी आप चाहते हैं कि मैंने और भी टॉपिक्स इसमें ऐड करने हैं, वो आपने क्या किया, यहाँ पे आके आपने इस पर क्लिक करके हेडिंग 1 ठीक है और नीचे आके हेडिंग 1 यहाँ पे सिलेक्ट करके हेडिंग 1 यहाँ पे आपने अप्लाई किया। अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके जस्ट रेफरेंस में और यहाँ पे अपडेट टेबल आके, ठीक है, तो आपकी जो टेबल में जो आपने न्यू न्यू जो आपने टॉपिक्स ऐड किए थे वो आपके सारे के सारे वो भी आपकी अपडेट हो जाएंगे। तो ये था आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, आगे की तरफ हम वो होते हैं रेफरेंस। तो उसके बाद हमारे पास रेफरेंस में आता है इंसर्ट फुट नोट। अभी इंसर्ट फुट नोट का भी एक ही ऑप्शन होता है जैसे कि हम कोई रेफरेंस दें, मगर फुट नोट मीन्स एड अ नोट इन अ बॉटम ऑफ पेज। सपोज करें कि अगर आप किसी भी पॉइंट को लेके
मतलब कि यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा हुआ हो और आपको यहाँ पे कोई पॉइंट डिनोट करनी है कि इस पेज में आपको ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ भी इंक्लूड है या कोई प्रेफरेंस, तो आप क्या करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में सिंपली वहाँ पे सेलेक्ट करके आपको करना है इंसर्ट फुट नोट। जैसे ही आप इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा और इन बॉटम में भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं ऐसे ही कुछ दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए जस्ट। अभी ये एक मेरा फुट नोट हो गया, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि चलें ठीक है ये भी हो गया, ये भी मेरा क्या है एक फुट नोट है। फिर अगेन करूँगा क्या, इंसर्ट फुट नोट, तो यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी मेरा नंबर 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है फुट नोट को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। हाँ अलबत्त ये जो है ना फुट नोट हर एक पेज के ऊपर नहीं, जिस पेज पे आप करना चाहेंगे उसी पर ही होगा। सपोज़ करें मैंने यहाँ पे ये दो दिए, उसके बाद मैं सेकंड पेज पे आता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ क्या, यहाँ पे क्लिक करके अगेन मैं इंसर्ट फुट नोट करता हूँ, तो यहाँ पे वो कंटिन्यू 2 के बाद 3 यहाँ पे नंबर आएगा। तो इसी तरह से आप इनको देख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये रिमूव भी हो सकता है। तो इंसर्ट फुट नोट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। अगर आपके पास आप हेड फुटर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप कहते चाहते हैं कि मैं फुट नोट को यूज़ करूं क्योंकि हर एक पेज पे मुझे अलग अलग फुट नोट यूज़ करना है, तो आप फुट नोट यूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद आता है इंसर्ट एंड नोट। अभी एंड नोट भी इसी तरह है, मगर इसमें डिफरेंस क्या है कि एंड नोट जस्ट वंस टाइम होता है ऐड। जैसे कि यहाँ पे मैं किसी भी पेज पे इंसर्ट फुट नोट यूज़ कर सकता हूँ, मगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एट द फाइनल पेज जो हमारा आखिरी पेपर होगा हम उस पर क्या करेंगे, जंप करेंगे और वहाँ पे हमारा जो है इंसर्ट एंड नोट हो जाएगा। तो ये है फुट नोट और ये है एंड नोट। एंड नोट में हम कभी कभी नेम नेम लिखते हैं जिस ऑथर ने वो लिखा है, या उसकी समरी लिखते हैं या उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो ऐसी वजह से हम क्या करते हैं इंसर्ट एंड नोट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ पे शो नोट्स, क्या करेंगे हम यहाँ पे शो नोट्स, ये देखें ये भी शो हो रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि मैं फुट नोट एंड नोट तो हो गया हमारा व्यू फुट नोट एरिया, यस ओके। तो ये देखें ये हमें वो शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा है, अगर आप इसके बाद आप इसको प्रीवियस नेक्स्ट आप करना चाहते हैं एंड नोट के, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया नेक्स्ट फुट नोट, उसके बाद ये हो गया हमारा नेक्स्ट एंड नोट। इसी तरह से आप प्रीवियस और नेक्स्ट पे जंप कर सकते हैं इजीली नोट्स पे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये तो बिल्कुल इजी था। उसके बाद हम आगे चलते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी बहुत इजी है, वो भी इसी तरह रेफरेंस के लिए यूज़ होती हैं। समटाइम क्या करते हैं हम किसी बुक का रेफरेंस देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सपोज़ करें कि ये बुक जो है मेरे किसी ऑथर ने लिखा हुआ है, हम उसकी क्या करते हैं डिटेल ऐड करते हैं। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन ऐड सोर्स। अभी मुझे ये पूछ रहा है कि कौन सा आपका सोर्स है, हम कहते हैं इसको बहुत सारे हैं आपके पास, बुक्स है, जर्नल आर्टिकल है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस है, रिपोर्ट है, कोई भी आप यहाँ से जो आपका होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं अभी यहाँ पे बुक ही सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कि उस बुक का ऑथर कौन है। मैं इसे दे रहा हूँ और यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑथर, आप यहाँ पे तब क्लिक करेंगे अगर उस बुक को दो लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। मगर यहाँ पे मैं एक ही नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ये नेम हो गया कौन से ईयर में, मैं कह रहा हूँ उसको ईयर में सिटी पब्लिशर जो उसे पब्लिश करता है, ठीक है।
और ये स्टैंडर्ड नंबर, मतलब अगर आपके जो बुक लिखा हुआ है अगर उसकी एडिशंस आप यूज़ करते हैं, जैसे कि एडिशन होती है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो आप एडिशन भी दे सकते हैं। हमारे भी कोई भी एडिशन नहीं है, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, उसको जस्ट ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा तो मेरे पास ये सोर्स में आ जाएगी, उसका लास्ट नेम और वो डेट कि किस ईयर पे वो बुक बना था। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, ये देखा सेकंड नंबर है जो स्टाइल है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट वन शो हो रहा है। मैं दूसरा कोई सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी नेम एंड डेट शो रहा कर रहा है। उसके बाद ये देखें, ये भी नंबर वन शो हो रहा है, ये देखिए सिर्फ नेम शो कर रहा है। तो ये कोई स्टाइल से जो जिस तरह से आप उसको शो करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हमारे मैनेज सोर्सेस। अब जो हमने सोर्स ऐड किया था, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसके साथ इसको मैनेज करना है, मेरा जो नाम था, मेरा जो एडिशन का ईयर था, पब्लिशर का नेम था, वो समथिंग मिसिंग है, मतलब कि या गलत हो गया या मिसिंग है, तो आप इसको क्या करेंगे, जस्ट मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं या आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप एडिट करेंगे वो सेम टू सेम आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पड़ी हुई होगी, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप इसको चेंज कर रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ राशिद को रिमूव करके मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसी तरह आप उसको ओके करेंगे और ये आपकी जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपका है बिब्लियोग्राफी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये लास्ट नेम और ये ईयर नहीं चाहिए, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसका आथर वगैरह, आथर बुक का आथर कौन है, बुक कौन सा ही, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट बायोग्राफी बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके आप जस्ट ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका नेम और बुक का नेम, एड्रेस और किसने पब्लिश किया है और कौन से ईयर में, आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये मोस्टली हम एट द बिगिनिंग ऑफ बुक हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस बुक को किसने लिखा है और इसका को ऑथर ऑथर तो इसका को ऑथर कौन सा है और किसने पब्लिश किया है, बुक का नेम क्या है, किस ईयर पब्लिश हुआ है, तो इसी तरह से। तो होप कि आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। इसमें हम सोर्स को ऐड करते हैं, इसमें सोर्स को हम मैनेज करते हैं ये स्टाइल से किस तरह हमें चाहिए, और लास्ट में इसको हम इंसर्ट करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन क्या होता है कि हम ये भी एग्जैक्टली एज ही है ये ना, मगर यहाँ पे क्या है, इमेज है, ठीक है। समटाइम क्या होता है, हमारे बुक्स में, हमारे नोट्स में कुछ इमेजेस होते हैं जिसमें लिखा होता है फिगर नंबर वन, फिगर नंबर टू, फिगर नंबर थ्री। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट में कुछ इमेजेस ऐड कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज वैसे ही ब्लैंक है, मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक इमेज ऐड। तो फर्स्ट इमेज मेरी ये हो गई, ठीक है। चलिए मैं इसमें ऐड भी करता चलता हूँ। ये हो गया मेरा इंसर्ट कैप्शन, फिगर वन हो गया। यहाँ पे आप लेबल भी दे सकते हैं, मगर मैं इसको सेम टू सेम रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको आपको बताना है कि इसका काम किस होता है। ये लेबल वन हो गया, फिगर वन। मैं नीचे आता हूँ फिर अगेन सेकंड पेज पे, यहाँ पे आके मैं इंटर करता हूँ और फिर मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। ये दूसरी मेरी इमेज हो गई। मैं इस पर भी क्या करता हूँ, इस पर भी मैं इंसर्ट कैप्शन करता हूँ। ये फिगर टू हो गया, और इसका नेम जो है आपको बॉटम में मिलेगा यहाँ पे। चले मैं दूसरे पेज पे आता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक करके मैं और तीसरी इमेज ऐड करता हूँ। बहुत इजी है, जस्ट आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, ये मेरा तीसरी भी हो गई, और मैं यहाँ पे लास्ट वन भी और भी करता हूँ जो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट, ये पिक्चर, और ये हमारी हो गई इमेज। इस पे मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस पे आके इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, ओके ओके। अभी भी क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी इमेजेस थी वो मुझे पता चले कि कौन कौन से पेज पे मेरा कौन कौन सा फिगर नंबर पड़ा हुआ है। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, सिंपली इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, सेम ही है। यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स हैं, यहाँ पे जो है फॉर्मेट्स, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, क्लासिक चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजिंग हुई।
ये देखें बहुत सारे स्टाइल्स हैं, सेंटर चाहिए सेंटर में आ जाएंगी, और फॉर्मल में तो फॉर्मल में, और ये सिंपल में तो ये सिंपल में। जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको क्या इसका इसका स्टाइल्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके अभी करता हूँ जस्ट ओके। ये देखिए अभी अभी आपको फिगर वन कौन से पेज पे, फिगर टू कौन से पेज पे, इसी तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेम एज एट सेम यहाँ पे भी एक ऑप्शन है अपडेट टेबल सेम। अगर आप यहाँ पे कोई भी टेबल को, यहाँ पे कोई भी एक इमेज यूज़ करते हैं बाद में, और आप चाहते हैं वो भी हमें इसको फिगर में ऐड करें, तो यहाँ पे इमेज को ऐड करना है, यहाँ पे मैं ये लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, इसको रेफरेंस में आके उसको करना है जस्ट इंसर्ट कैप्शन। ये हो गया फाइल नंबर। अब आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल जस्ट ओके। तो इसी तरह से आपका ये जो कैप्शन वाला पोर्शन है फिगर्स, वो भी आपके अपडेट हो सकता है। क्रॉस रेफरेंस हमने पहले भी कवर किया था, कहाँ पे, यहाँ पे हमने कवर किया था, यहाँ पे बुक मार्क में क्रॉस रेफरेंस। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा किसी ने, तो वहाँ पे जाके ये क्रॉस रेफरेंस देख लें, आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री का भी बहुत इजी काम है, मैं आपको बता चलूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैं पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। पैराग्राफ को ऐड करने के बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट एंटर, नेक्स्ट पेज से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं कर रहा हूँ मार्क एंट्री, क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट मार्क एंट्री कर रहा हूँ। अभी मार्क एंट्री करने के बाद मैं क्या करूँगा, मार्क करूँगा इसको। जैसे ही मार्क करूँगा मेरे शो एंड हाइड जो है वो इनेबल हो जाएंगे। चलें ठीक है, मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, नीचे की तरफ मैं अभी यहाँ पे इसको करता हूँ मार्क, यहाँ पे आने का फिर मार्क करूँगा मैं यहाँ पे, नीचे आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। आपको ऐसे सारे डॉक्यूमेंट में मार्क करना है, जहाँ जहाँ आप मार्क करना चाहते हैं आपको उसको सिलेक्ट करके जस्ट मार्क करना है। मार्क एंट्री, मार्क एंट्री, जस्ट मार्क। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से मार्क कर दिया, और यहाँ से भी मैं करता हूँ मार्क इसको। तो मैंने यहाँ पे कुछ हैं वर्ड्स हैं जिनको मैंने मार्क किया है। मैं फर्स्ट पेज पे आता हूँ, फर्स्ट पेज पे आने के बाद मैं शो एंड हाइड को ख़त्म करता हूँ। ये जो है हमारा शो एंड हाइड, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। मैंने यहाँ पे क्लिक कर, क्लिक करने के बाद मैं रेफरेंस में आता हूँ। रेफरेंस में आने के बाद कहता हूँ इंसर्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे फिर से आपको कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जो भी आपको लगे। मैं यहाँ पे लेता हूँ मॉडर्न लेता हूँ, या कोई भी, इसमें और कुछ नहीं होगा। जो हमारे अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि हमारी डिक्शनरी होती है, फर्स्ट ए के लफ्ज़ आ जाएँ, फिर बी के आ जाएँ, फिर सी के आ जाएँ, फिर डी के आ जाएँ, तो इसी तरह से आपकी जो वर्ड्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। मैं अभी कर रहा हूँ इसको फैंसी पे आके, और मैं कर रहा हूँ जस्ट ओके। देखें अभी सी में जो था कैन आल्सो, डी में क्या हो गया डॉक्यूमेंट्स है, जी में क्या हो गया ग्राफिक्स है, पी में क्या हो गया पावर योर पॉइंट है व्यू। जो जो मैंने वर्ड्स क्या किए थे मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किए हुए थे। तो आप इसी तरह से आप अल्फाबेटिकल वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं, आप कोई भी डिक्शनरी बना सकते हैं, आप कोई भी बुक वगैरह बना सकते हैं एक बुलेटेड फॉर्म में, बिल्कुल ईजी है यहाँ पर। उसके बाद हमारा आता है अपडेट। अपडेट सेम ही काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी मुझे वर्ड्स कुछ ऐड करने थे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके मार्क एंट्री, ऐसे करना है। उसके बाद क्या करना है वो, अगर हाइड एंड शो आप शो नहीं भी करें कोई इशू नहीं, मगर मैं क्या यहाँ पे करता हूँ जैसे कि मुझे सिंपली डॉक्यूमेंट शो हो। फिर लास्ट में आके मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मुझे करना है रेफरेंस में आके अपडेट इंडेक्स। तो देखिए अब यहाँ पे एच नहीं था हमारा हेडर, वो भी क्या हो गया, अपडेट हो गया। बिल्कुल ईजी है। आप इसी तरह से अपनी कोई भी अल्फाबेटिकल या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आप बना सकते हैं इसमें।
तो आपको जस्ट करना क्या है, आपके डॉक्यूमेंट में जाके उस नेम को सिलेक्ट करना है और जस्ट मार्क एंट्री पे क्लिक करना है। इन लास्ट में हमारा आता है मार्क साइटेशन। अब मार्क साइटेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत काम की चीज़ है, मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डिलीट, डिलीट करने के बाद मैं करता हूँ न्यू। ये भी हमारे हो गए कितने 17 पेजेस हो गए मेरे। मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, ऊपर के बाद मैं करता हूँ क्या, यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब मेरा फर्स्ट पेज ब्लैंक होना चाहिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले आपको मेन टॉपिक्स पहले यहाँ पे ऐड करने हैं। क्या ऐड करने हैं, मेन टॉपिक्स। आपको कैटेगरी में आना है, कैटेगरी में आने के बाद ये आपके क्या हैं, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे मेन टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं, हार्डवेयर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कंप्यूटर। मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ जैसे कि मेरे सॉफ्टवेयर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है सॉफ्टवेयर, उसको बाद क्या करना है, जस्ट रिप्लेस। ये आपके ऐसे रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस होने के बाद जस्ट करना है, जस्ट आपको ओके करना है। ओके करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आप उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का टाइप है, मैं इसको ऐड करता हूँ इसको। या मैं पहले ऐसे करता हूँ, मैं कुछ नेम्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैं, उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर थे वो उस सॉफ्टवेयर कैटेगरी में एड करता हूँ क्या, यहाँ पे क्लिक करके मैं कहता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उसके बाद कौन से हमारे टॉपिक्स थे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर। अच्छा अभी मैं हार्डवेयर में कुछ ऐड करता हूँ, यहाँ पे हार्डवेयर में हमारा हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो ऐसे में कुछ क्या कर, यहाँ पे मैंने कुछ एडिंग को क्लिक किया है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जिसका जो टाइप होगा, जिस मतलब कि जिसमें हमें इसको ऐड करना होगा, क्या करूँगा यहाँ पे ये कंप्यूटर का पोर्शन है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं ऐड करूँगा कौन से पे, कैटेगरी में कंप्यूटर में, जस्ट मार्क। उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे होगा हमारा एनालॉग के बाद डिजिटल, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर आपको इसको कंप्यूटर में ऐड करना है मार्क, जिस कैटेगरी का जो टॉपिक होगा उसमें आपको इसको ऐड करना है। अभी हमारा होगा हाइब्रिड, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन ये कंप्यूटर का टॉपिक है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर में आता है कैटेगरी में, आपको यहाँ पे आके सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है, ये हमारा सॉफ्टवेयर। उसके बाद जस्ट मार्क, और नीचे आए नीचे आए। उसके बाद हमारे पास है और सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके, ये भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आए, अभी हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा कौन सा कैटेगरी का है, हार्डवेयर का है, तो आपको यहाँ पे हार्डवेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मार्क। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और है माउस, माउस को आपको सिलेक्ट करना है। माउस को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे मार्क करना है। लास्ट में आपके पास है यहाँ पे मॉनिटर, पर हमारा हार्डवेयर का है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको
जस्ट करना है मार्क। तो इसी तरह से आपको मार्क करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको शो एंड हाइड को ख़त्म कर दें, ऑफ कर दें। उसके बाद फ्रंट पेज पे आएँ। फ्रंट पेज पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे आना है रेफरेंस में। रेफरेंस में आने के बाद आपको करना है जस्ट इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगेन आपसे पूछेगा कि आप कौन सा स्टाइल चाहिए। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्लासिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्लासिक करने के बाद करना क्या है आपको, जस्ट ओके करना है। अभी देखिए मेन टॉपिक कौन सा है आपका, कंप्यूटर। उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर के सब टॉपिक्स हैं, हार्डवेयर, हार्डवेयर के सब टॉपिक कौन से हैं, और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के सब टॉपिक्स कौन से हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये आपको अपने मेन टॉपिक में आपको सब टॉपिक्स ऐड करने हैं, और ये आपका टेबल ऑफ इंडेक्स ऐसे भी बनता है। तो होप कि आपको आज के इस लेक्चर में आपको रेफरेंस समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियो में सीखेंगे मेलिंग। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।